प्रहारी पारे के प्रकार ताऊ जी बहुत दिनों पहले सर्प से और मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद। रुकमण सारा दोस्त ने मेरे ऊपर दे दिया महाराज, क्यों समझ में आएगी रुकमण का भी ठीक है। ये युद्ध होने से पहले मैं दुर्योधन के पास में गया था, आपस में भाई हो तुम और ये आपस में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं, आपस के बैर के बाद से नफा किसी को है ना, लेकिन दुर्योधन ने मेरी मानी को लिया, क्यों मरना पड़ा उन्हें तीसरे नंबर पर। तैनी प्रधान माधोटी से सौ सौ घंटे मार बात है बात। भाई सत्य मक्कड़े मक्कड़े तो सौ रुपये के मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। नाम तो और रब होगा वो का होगा मैं उर्फ तो ना के दागा मैं नाम के गेले क्या दिखा है तीसरे नंबर पर। सोने को है पार मोनो प्रधान जी सौ रुपये लेते बार बार धन्यवाद है। ब्लॉक समिति के मेंबर आदरणीय जेपी सौ रुपये लेते बार बार धन्यवाद है। उमेश प्रधान जी आदरणीय सौ रुपये लेते बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं गांव दुलेड़ा में। दुलेड़ा में बाबा हरिदास का मंदिर है, ये गांव दुलेड़ा में सेदड़ा में, ये चार गांवों के बीच में स्थित है, भुपनिया डाबोदा और ये इधर दुलेड़ा खेड़का और चुड़ानी के भी पास में पड़ता है। और ये अपने बारे की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम चल रहा है, श्री उमेद सिंह जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार।
तो कैसा चला प्रोग्राम आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा भंडारा था, लोगों ने जो है ना खूब दिल खोल के चंदा दिया और दिल खोल के जी में हैं, और रागनी वाले भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे कलाकार थे दोनों। तो कितने साल से यहाँ पे परंपरा चल रही है अपनी ये बाबा हरिदास? ये दादा हरिदास जब यहाँ पर ठहरे थे ना तब से ही जो है ना वो चल रहा है, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा हो रहा है कई सालों से, झाड़ौदा का रूप लेने लग गया। हाँ हाँ, अब ये झाड़ौदा का रूप जो है वास्तव में झाड़ौदे का रूप लेने लग गया है। तो ये हमें बड़ी खुशी है कि भी हमारे गांव में छेदड़े धाम में जो है ना ऐसा काम हो रहा है, तो हमें अजहद जो है खुशी है। पूरा गांव था या फिर कमेटी बनी हुई है अपने गांव की यहाँ पे? ये नहीं, कमेटी नहीं है। अच्छा, यो हाँ, जिस तरह लोग सेवा करते हैं ना, यूँ सेवा करते हैं लोग आके। हाँ, कहाँ कहाँ से आ रहे थे लोग आज यहाँ पे आसपास? ये मास्टर जी बताओगे, आप बताओ। नमस्कार मास्टर। नमस्कार जी। तो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं? बहुत बहुत दूर से, बलियाना है, दुलेड़ा है, छुड़ानी है, खरमान है, माचन है, और फरीदाबाद से भी, नजफगढ़ से भी, दिल्ली, पूरी दिल्ली से भी यहाँ पर आए। श्रद्धालु दिल ठोक के आए, दिल ठोक के चंदा दिया। बिल्कुल दिल ठोक के चंदा दिया है, और प्रसाद जो है प्रसाद भी उन्होंने खूब खुल के लिया। हाँ, प्रसाद भी बनाया हुआ था, मैंने देखा, खाया भी है, प्रसाद बहुत बढ़िया था। हाँ, और गुड़गावे से भी आए। गुड़गावे से भी आए हैं। वो कलाकार कौन कौन आए? कलाकार थे सुरेंद्र शर्मा गगनऊ और बिल्लू शर्मा यूपी। बहुत बढ़िया कलाकार, बहुत ही बढ़िया कलाकार। मेरे ख्याल से आज के दिन ऐसे कलाकार है नहीं। तो हर साल होगा मास्टर जी प्रोग्राम? हर साल ही होता है, कम से कम मेरे ख्याल से ऐसा प्रोग्राम 20 साल हो गए लगातार, शांति से, बहुत ही शांति से। कभी आपने भी देखा होगा यहाँ पे? मैंने दो बार तीन बार देखा है, यहीं से गुजरते हैं। छठ, हर छठ पे ही होता है ये प्रोग्राम? ये नहीं, मतलब छह महीने के बाद, छह महीने में होता है। जो जो चैत वाली जो छठ आती है उस पर सिर्फ हम हलवे का प्रसाद बनाते हैं, लेकिन इस छठ के ऊपर पूरा भंडारा होता है। रागनी प्रोग्राम भी, चलो रागनी प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ, अच्छे शांति से सुन रहे थे लोग। हमने देखा बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं ये यहाँ के दुलेड़ावासी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम जी हैं। दुलेड़ा से सेवक हैं, कई जगह मिलते हैं हमें, हर एक मंदिर में हर जगह मिलते हैं, इनसे करते बात। नमस्कार मास्टर जी। धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका यहाँ पर आने पर सारे गांव दुलेड़ा और सभी श्रद्धालुओं की तरफ से यहाँ पर आने पर हम आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और यह आज के आधुनिक युग में हम, हमारी जो प्राचीन परम्परा बाबा हरिदास मंदिर में यहाँ पर जो चालू है उसके लिए और युवाओं की तरफ से यहाँ पर प्रकार का सहयोग और नई युवा पीढ़ी को हम अपनी पुरानी परंपराओं से परंपरा से जुड़ने का जो यहाँ मौका मिलता है, यह एक संदेश भी है कि भाई सिर्फ मोबाइल ही आज के युग की जरूरत नहीं है, हमें अपनी पुरानी परंपराएं संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए और उसमें वे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे हरियाली भी बहुत देखी मैंने मास्टर जी, धर्म मंदिर के आसपास बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, अब कायाकल्प अब इस तीर्थ स्थान की होने लगी है और निकट भविष्य में यह एक मिनी झाड़ौदे का रूप ले लेगा स्थल, और इसके लिए हमारे बड़ों का आशीर्वाद और शुभकामना भी हमारे साथ हैं, इसी प्रयास में हम सब लगे हुए। चलो जी, धन्यवाद मास्टर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक है। कैसा लगे आपको गांव का माहौल यहाँ? नहीं नहीं, मैं तो ना इसी गांव का, मेरे को पता आप इसी गांव के, लेकिन यहाँ का माहौल कैसा लगा, मंदिर का माहौल? नहीं नहीं, माहौल जी बहुत अच्छा है, मैं तो हर बार आता हूँ। हर बार आते हो? हाँ, तो माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे, अच्छा है। जैसे एक तरफ धीरे 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 ना इम्प्रूवमेंट आ रही है इसमें, पहले ये बिल्कुल बिल्कुल रॉ था, अब धीरे पहले तो एक जंगल था, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है ये, और धीरे धीरे लोग बाग भी ना इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। पहले क्या लोग बाग भी कम आते थे, अब लोग बाग भी ज़्यादा आने लग गए हैं, तो इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे ये देखोगे तो आप ना धीरे धीरे काफी इम्प्रूव हो जाएगा, काफी बिल्कुल बिल्कुल काफी इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये शिवाड़ा से भाई आए, बड़ी दूर से आए हैं, ये भी भजन कलाकार है, रागनी कलाकार भी हैं, काफ़ी बार हमने इनको देखा है गाते हुए। और जी भाई सब कैसा लगे यहाँ के? भाई बहुत बढ़िया लगा सभी को, पहले सागर खेड़का की इस टीम की तरफ से सभी को हार्दिक धन्यवाद, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो। राम राम भाई सभी को। राम राम भाई प्रणाम। ये महाराजियों ने कलाकारों को सम्मानित कराया है। नारायण नारायण। राम राम जी। राम राम जी। राम 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 कलाकार। राम राम जी। राम काफी टाइम से आप हमारे एरिया में छा रहे हो जी, बहुत बढ़िया रागनी सुनाई आपने, आपको कैसा लगा यहाँ का एरिया हमारा?
ऐसा तो हरियाणा में गांव ही नहीं है जी, इतना इतना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जैसा तो लड़ा है, ऐसे श्रोता नहीं है, बहुत बढ़िया श्रोता है, सुनने वाले हैं, बहुत दिन देसी बातों के जानकार हैं, बहुत अच्छा, हमने भी स्वाद आ गया गाना इस गांव में, सच्चाई है, बहुत बढ़िया कलाकार थे दोनों और सुबह से बहुत बढ़िया अच्छी रागनी सुनाई है, देसी रंग और बढ़िया सभी ने अच्छा बताया इनको, राम राम महाराज जी, नारायण जी, सागर खेर का ये चैनल हमारे बीच में भाई साहब पहुंचे हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं और वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद जी।